बेटा इतने पैसे नहीं है कि तुम बाहर जा सको। बस आप लोग मुझे लोन दिलवा। खुदा के लिए आप ऐसा कोई काम मत कीजिएगा कि बाद में हमें कोई नुकसान हो। मुझे पता है मैं कोई बच्चा हूँ। मैं आपको लोन दिलवा सकता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद बैंक और आपके दरमियान डीलिंग डायरेक्ट हो जाएगी। वो पैसे मैंने आमिर भाई को भिजवा दिए हैं दुबई जाने के लिए। तुमने 4 लाख रुपए उस आमिर फ्रॉडी को दे दिए? जाओ यहाँ से। अगर तूने किस्त नहीं दी ना तो बात मेरी जॉब पे भी आ जाएगी। तुम चाहते नहीं हो कि मैं बाहर जाऊँ, पहले दिन से मुखालफत कर रहे हो तुम मेरी। कहाँ से दूं पैसे? कुर्ता ले जाओ। वो बेकार है, सोना वोना नहीं है घर में। पागल हो गए हो क्या? नजर नहीं आ रहा गाड़ी आ रही है, फिर भी सामने आ गए हो। जब गाड़ी तेज चला रहे थे तो ब्रेक लगाने की क्या जरूरत थी? भुलिए से तो ठीक लगते हो, कपड़े भी ठीक ठाक है, खैरियत है? हाँ खैरियत है, मेरे घर में शहद की नदियां बह रही हैं। नाश्ते में सोने के बिस्किट खाता हूँ। परेशान लगते हो, घर का पता मालूम है? छोड़ दूं। घर ही तो नहीं जाना। भाई ये जो आपकी गन है इसमें गोली है? दिमाग ना खराब कर भाई। कमाल है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ इसमें गोली है कि नहीं है। चल चल चल, इसमें दिमाग खराब करने की क्या बात है? मैंने सिर्फ ये पूछा है कि इसमें गोली है कि नहीं। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे गोली, मार मुझे गोली, चल मुझे मारो, मारो। कहूँ किस से मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। लाचारगी और गुर्बत भी ऐसा ही मर्ज है जिसमें गरीब रोज मरता है। वो मरे ना मरे उसकी इज्जत नफ्स ज़रूर मरती है। तो हमजा ने सोचा क्यों ना एक ही बार जान दे के जान छुड़ा ली जाए, वो भी ना हुआ। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ जिसके बाद एक बाप अपनी जान देने पर राज़ी हो गया, और इसी का जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूं अब्दुल्ला फरहत। कहानी शुरू तो बहुत सलीके से हुई। ओ भाई कहां रह गई, जल्दी आओ भाई, मुझे देर हो रही है यार। हाँ आ रही हूँ, जल्दी आओ वरना मैं जा रहा हूँ। अच्छा बस आई, हो गया। ये क्या लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट? अरे
रे, अभी तो आधी चीजें लिखी नहीं है मैंने। इन चीजों के लिए मुझे रक्षा बुक करवाना पड़ेगा और उसका खर्चा मुझे अलहदा से देना पड़ेगा। हाँ तो वो कौन सा हीरे मांग लेगा, 100-150 ही तो मांगेगा। अगर मैं अपनी सैलरी को घंटों के हिसाब से देखूं ना, तो मैं 1 घंटे के 100 से लेके 150 रुपए कमाता हूँ। खुदा को माने अब चले भी जाए, वरना अपनी तनख्वाह को सेकंड और मिनटों में तकसीम करके बैठ जाएंगे और कहेंगे तुमसे बात करके मेरे 80 रुपए जाया हो गए। खुद कमाओ ना तो फिर तुम्हें पता चले बातें करती हो। मैं जा रहा हूँ बस, खुदा हाफिज। अच्छा अल्लाह हाफिज। भाभी नाश्ता बना ले मुझे। नाश्ते का टाइम नहीं है, दोपहर का खाना बन रहा है, सब्र कर लो। खाना वाना नहीं खाना मैंने, नाश्ता बना कर दे मुझे। तो आप अब मुझे नाश्ता नहीं बना कर देंगी? ठीक है फिर। और भाई क्या हो रहा है? ओहो गुस्से में है बेटा। सुबह सुबह ताव खाओगे तो तिनके को भी शर्मा दोगे एक दिन। तो क्या खाओ आप ही बता दीजिए। जो मिले खाओ। अरे भाई जवान हो, जवानी में तो पत्थर भी हजम हो जाता है, बाद में केला खाने के लिए भी दांत नहीं होते। कोई बना कर देगा तब ना, अब क्या कच्चा आटा खा लूं? खाना पक गया होगा ना। खाना नहीं, सुबह सुबह नाश्ता चाहिए होता है, नाश्ता। बेटा अब इस वक्त तुम नाश्ता मांगोगे तो कौन देगा तुम्हें? कोई अहमियत नहीं इस घर में मेरी, इज्जत तो मिलती नहीं थी, अब नाश्ता भी नहीं मिलेगा। बेटा इज्जत कोई नहीं देता है, लेनी पड़ती है, लेनी पड़ती है अपने रवैये से, अपनी बातों से, समझे? घर का जला बाहर ही मरहम ढूंढता है, यासिर ने भी यही किया। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। कहाँ हो मेरे दोस्त? यही हूँ, मगर अब यहाँ नहीं रहना। फिर कहाँ रहना है? बाहर जाना है मैंने। यार जेब में चाय की प्याली के पैसे नहीं, तो बाहर के कौवे में बैठ के जाएगा? अरे भाई जहाज में जाऊंगा ना बैठ के। कौन सा जहाज? कागज वाला? अरे यार सारे प्लान की तुमने ऐसी की तैसी कर दी। यार प्लान तब बनता है जब जेब में कुछ हो, खाली जेब ख्वाब देखे जाते हैं, प्लान नहीं बनाए जाते। तो तुम दोनों पैसे? अरे भाई बैंक में काम करते हो यार। हाँ बैंक तो मेरे अंकल का है ना, उनसे जाके कहूँ अंकल मुझे 50 लाख रुपए दे दें, मेरा दोस्त बाहर जाना चाहता है। अबे मेरे पास 50 लाख हो तो मैंने बाहर जाके क्या करना, पागल हो गया क्या? यही तुम्हारा मसला है मेरे दोस्त, पैसे से पैसा बनता है और पैसा लगाने से पैसा घटता है। तुमने सुना नहीं, पैसा पैसे को खींचता है। बड़ी अजीब चीज़ है यार ये पैसा, जब एक बार हाथ से निकलना शुरू हो तो फिर निकलता ही रहता है, और जब आना शुरू हो तो फिर थमता ही नहीं। हमारा तो यही काम है, बड़ों बड़ों को कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज होते देखा है इन आँखों से। तुम कहीं पढ़ाते हो या बैंक में जॉब करते हो? काम तो मैं यहीं बैंक में करता हूँ, लेकिन अपनी दोनों आँखें और कान खुले रखता हूँ। जॉब बैंक में करता हूँ लेकिन ज़िंदगी नहीं गुजारता बैंक में। तो भाई कुछ करना, कोई लोन ही दिलवा दे। तो लोन कौन सा मसला है, जब चाहो। नहीं नहीं लोन नहीं, कुछ पैसे दिलवा दे यार। अरे भाई तुम तो नाराज हो गए, मेरी बात तो सुनो। वालेकुम अस्सलाम। सामान कहाँ है? हाँ सामान यार, वो मैं तौफीक की दुकान पे गया था, वो कह रहा था कि सारा सामान नहीं है, अगर आप कल आ जाएंगे तो मैं तमाम सामान आपको दे दूंगा, लिहाजा मैंने सोचा कि कल मैं सामान ले आऊंगा, फजूल में दो चक्कर पड़ जाते। उफ अल्लाह, एक एक रुपया बचाने के चक्कर में किसी मेरा सर फट जाएगा। पूछ तो लेते, अब चाय की पत्ती खत्म हुई भी है।
गलती हो गई। चलो मैं अभी ले आता हूँ। अब ऐसा भी नहीं कहा कि बिल्कुल ही खत्म हो गई है। अच्छा आपके लिए खाना लगाऊं? हाँ लगा दो। अच्छा चले आप मुंह हाथ धो लें, मैं आपके लिए खाना। अब आ भी जाएं। अरे बाबा आ गया बस। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वाह भाई वाह। आपने यासर के बारे में क्या सोचा है? अरे यार उसके बारे में क्या सोचना है, वो खुद अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहा। तो सारी जिंदगी घर में यूं ही बैठा रहेगा क्या? तो करे ना कुछ, किसने रोका है उसको? कुछ करेगा तो घर के खर्चों में मुझे भी आसानी होगी, गुड़िया की फीस बढ़ती जा रही है भाई। आप अब्बू से बात करें ना कि वो उसे समझाएं, मुझसे तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता। हाँ मैं बोलूंगा अब्बू को। अच्छा मुझे खाना तो खाने दो यार। अच्छा आप खाना खाएं, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। यासिर मनमौजी था, अपनी ही धुन में रहता था, किसी की ना सुनता, और अगर सुनता तो दूसरे कान से निकाल देता। यार हमेशा ऐन वक्त पर आकर तो मुझे कटा देते हैं, और अगर आज के बाद ऐसा हुआ ना तो बहुत बुरा होगा, मैं तुझे बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है मैं तुझसे बात करना था। जी अब्बू मुझे बता दिया होता मैं आ जाता। अरे नहीं बेटा बस वैसे ही आ गए थे। वैसे तो नहीं आए खैर। अरे सीधी सी बात है, तुम्हें पता है कि अब्बू हर बात लटका देते हैं। तो आप ही बता दें फटाफट। तुमने क्या सोचा है? आप लोग ही नहीं सोच रहे मेरे बारे में, तो मैं क्या सोचूं फिर अपने बारे में? बेटा इतने पैसे नहीं है कि तुम बाहर जा सको, और फिर वहां जाते ही कौन सी तुम्हें फौरन नौकरी मिल जाएगी। तो ठीक है फिर। ठीक नहीं है ना यार, उम्र तुम्हारी निकलती जा रही है, पढ़ाई तुमने छोड़ दी है, कमा तुम नहीं रहे हो, अभी से पैर टिकाओगे तो? खुदा के लिए बस कर जाए, ये रोज रोज के लेक्चर सुन के मैं थक चुका हूँ। मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने मेरे लिए कुछ करना ही नहीं है। अबू तुम बताओ क्या करें हम? बैंक में मेरा एक दोस्त है दानिश, तो वो कह रहे थे कि मैं बहुत आसानी से लोन दिलवा दूंगा, बस आप लोग मुझे लोन दिलवा दें ताकि तुम बाहर जा सको। तो अब्बू मत भेजें बाहर, यहीं कुछ करवा दें, पर मेरे हाथ में तो कुछ हो। बेटा अगर तुम्हें कुछ करना है ना तो हबीब अंकल के साथ बैठो, वहाँ हमारा पैसा लगा हुआ है। हाँ आपने तो पूरी पेंशन अपनी वहाँ लगा दी है, जैसे हमें वहाँ से करोड़ों आ जाएगा। कुछ ना होने से बेहतर है कुछ तो आ रहा है ना, बैंक में पड़े पड़े पैसे सड़ते रहते। क्यों सड़ते रहते, मेरे काम आते। अच्छा ये बताओ कैसे मिलेगा लोन? आप अगर दिलवा रहे हैं तो मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है तुम बात करके बताओ। मगर हमसे बेटा। अब्बू छोड़े ना, बस बात हो गई इसके साथ, अब देखते हैं आगे क्या। ठीक है बेटा अब कुछ करके ही दिखा दो। ठीक है अब्बू। मुझे लगता था यासिर जाया ना हो जाए, वक्त तो जाया कर ही रहा था, भाई था आखिर। क्या कर रहे हैं यार? वो अरशद है ना, कल मुझे उसने एसएमएस किया था, उसका रिप्लाई करा। अच्छा वो यासिर से बात हुई? ना हुई। तो फिर? वो बोल रहा था मैं अपना काम करूंगा। कर ही ना ले, घर की सब्जी तो ला नहीं सकता, और क्या करेगा, और पैसे कहां से आएंगे? यार पैसे भी आ जाएंगे, अब्बू कह रहे थे कि मैं इंतजाम कर दूंगा। आप इसमें मत पड़ जाइएगा, अगर वो जिम्मेदार होता तो मैं खुद कहती कि उसके लिए कुछ करें। खुदा के लिए आप ऐसा कोई काम मत कीजिएगा कि बाद में हमें कोई नुकसान हो। क्या हो गया तुमको शुमाइला? मुझे पता है मैं कोई बच्चा हूं, कैसी बातें कर रही हो तुम? भाई कितना पैसा चाहिए? यार 4 लाख हो जाए तो बेहतर है। 4 में काम हो जाएगा? यार कुछ तो हाथ में आए, वो अपने आमिर भाई है ना दुबई वाले, वो कहते हैं इतने पैसे कर लो तो मैं तुम्हें दुबई बुला लूंगा और जॉब भी दिलवा दूंगा। एक मिनट, तू फिर बाहर जाने का सोच रहा है? तो और क्या, अब्बा के साथ यहाँ रह के जनरल स्टोर बनाऊंगा। तूने उन्हें बता दिया कि तू जनरल स्टोर नहीं खोल रहा? बाइक रोको।
तुम पागल हो गए क्या? अब्बा को बताऊंगा तो वो पैसे थोड़ी ना देंगे। यार तू झूठ बोल के पैसे ले रहा है। अरे मेरी जान, जब दुबई जाकर उन्हें धर्म भेजूंगा ना तो सब उछल उछल कर मुझे गले लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो जूते भी खूब पड़ेंगे। ऐसा ही होगा, तुम अपना प्रोसेस शुरू करो। ठीक है, तो मुझे कल हमजा भाई से मिलवा। डन हो गया, कल ही मिलवाता हूँ। अब साहब जी यहाँ से चले। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, यहाँ भी अपना अपने को धोखा दे रहा था। मुलाकात हुई, बात आगे बढ़ी। ठीक है, ये फॉर्म फिल करके मैं कल यासर को दे दूंगा, यासर से पिक कर लेना। जी भाई, बस फिर मुझे आपके ऑफिस आना होगा, फॉर्मेलिटी है। वैसे तो आप राजी हो गए, यही काफ़ी है। हाँ हाँ भाई, रेडी हैं तो जब ही आए। क्यों भाई? हाँ यार, मगर देख लेना कोई मसला ना हो जाए। अरे भाई कैसा मसला? कोई मसला होगा तो दानिश है ना। हमजा भाई आप मेरे बड़े हैं, मैं आपको लोन दिलवा सकता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद बैंक और आपके दरमियान डीलिंग डायरेक्ट हो जाएगी, फिर मैं कुछ नहीं करवा सकता। अरे क्या मतलब, हमें तुम लोन दिलवा के साइड पर हो जाओगे? मैं साइड पर नहीं होऊंगा, लेकिन फिर कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आप लोग फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, मैं हूँ ना। ठीक है दानिश, ठीक है, कल ये मैं फॉर्म फिल करके यासर को दूंगा और आप इसको प्रोसेस करवा देना। ठीक है हमजा भाई, कोशिश करना कि कोई मसला ना हो। चलो फिर हम लोग चलते हैं। ठीक है भाई। नहीं भाई आप चले, मैं बस दानिश से फारिग हो गया आता हूँ बस। आप यार तूने तो ऐश करवा दी। अब ये क्या कर रहे हो? चुप कर। अस्सलाम यार भाई। जी जी आमिर भाई, यासिर बात कर रहा हूँ। आमिर भाई पैसों का इंतजाम। जी 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 आमिर भाई, बस आप वीजा निकलवाएं, मैं आपको फौरन पैसे भेजता हूँ। जी ठीक है आमिर भाई, ठीक है ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे मेरे यार, अबे चाय तो पीने दे यार। अब तुझे मुझसे ऐसी चाय हो गई है? हमजा ने शुमाइला को न बताया, लेकिन उधार था, सुई नहीं थी कि छुपा ली जाती। बात फैली और इसकी भिनक शुमाइला को पड़ गई। अम्मी 200 दे। क्या दूं? 200 दे ना। क्यों दूं? बस मुझे चाहिए स्कूल के लिए। नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। अनम तंग नहीं करो, जाओ यहाँ से। अब्बू चाचू को पैसे दे सकते हैं और आप मुझे 200 नहीं दे सकती? क्या? मेरी फ्रेंड है ना जवेरिया, उसके जो चाचू है ना दानिश, वो कह रहे थे हमसे भाई लोन ले रहे हैं। कितनी गंदी बच्ची है ना जवेरिया, छुप छुप के बड़ों की बातें भी सुनती है और दूसरों को बताती भी है। और अब्बू जो छुप छुप के लोन ले रहे हैं वो बुरी बात नहीं है? अनम जाओ यहाँ से। 200? मेरे तकिए के नीचे 400 रखे हुए, उसमें से 200 ले लो। थैंक यू अम्मी। अरे भाई इतनी बेरुखी, खैरियत तो है? ये देखो। क्या हुआ शुमाइला? जब दिलों में मैल हो तो कलाइयों के गजरे खुशबू नहीं देते। मेरे दिल में तो कोई मैल नहीं है, तुम भी साफ कर लो अपने दिल का मैल। कितना लोन लिया है? लोन? लोन तो नहीं लिया। देखो झूठ बोलने से इनकी भी खुशबू खत्म हो जाती है। अरे भाई कोई लोन नहीं लिया यार, क्या बातें कर रही हो? और ये दानिश कौन है? दानिश तो यासिर का दोस्त है। क्यों? वही ढिंडोरा पीट रहा है कि आप लोन ले रहे हैं। ओहो भाई, दानिश का काम है लोन दिलवाना, वो फजूल में अफवाहें उड़ा रहा है और तुम खामखाई अपना मूड खराब कर रही हो। खुदा के लिए हमजा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ ऐसा मत करना कि जो हमें भुगतना पड़े। प्यार आ रहा है तुम पर, कुछ नहीं होगा इसे इंशाल्लाह।
देखो इन फूलों में खुशबू भी दोबारा आ गई है। मैं नहीं चाहता था कि शुमाइला को पता चले, पता नहीं उसे कहां से इल्म हो गया। मैंने सोचा शायद यासिर ने खुद ही बताया हो। यासिर, शुमाइला को क्या तुमने बताया? किस चीज का? लोन का और किसका? अरे भाई मैंने क्यों बताना। चलो शुक्र है, बेहतर इसी में है कि उसको ना पता चले। अच्छा हाँ, और दानिश को भी कह देना कि ये बात अपने तक रखे, ढोल ना पीटे। जी भाई। अच्छा वो भाई फॉर्म फिल कर दिया आपने? हाँ, मुझसे कल तुम लेकर दानिश को दे देना, ठीक है? और दुकान का क्या हुआ? जी जी भाई देख रहा हूँ, आपको पता है ना आजकल किराए कितने हो गए, तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, बस ऐसा ना हो कि हमें लोन मिल जाए और तुम दुकान ही ढूंढते फिरो। ये क्यों नहीं करते कि हमारे मोहल्ले में ही कोई दुकान मिल जाए? बेहतर है भाई। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जी हैं कवाकिब, कुछ नजर आते हैं कुछ देते हैं धोखा, ये बाजी घर खुला। बड़ा भाई क्या सोच रहा था और छोटा भाई क्या कर रहा था? कर्ज तो मिल गया मगर यार पैसे तो भाई के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, अब मेरे पास क्या आया? तो तुम्हें क्या लग रहा था तुम्हारे अकाउंट में आएंगे? यार अब तो खुद बता मैं क्या करूँ, दुबई वाला ख्वाब तो गया। एम ही गया, कोई ना कोई तो जुगाड़ करनी पड़ेगी। जो चाहे करो मेरे भाई। हेलो वमजा भाई, एक शॉप नज़र में आई है पर वो एडवांस मांग रहा है और मैंने बात कर ली है, बहुत आला लोकेशन है, अब आप बताएं क्या करना है? अगर कराया ठीक है तो ले लो। पर हमजा भाई वो एडवांस मांग रहा है। अरे मैंने बात तो कर ली है मगर कुछ सामान लेना है तो उधार मिल जाएगा पर उन्हें थोड़ा सा एडवांस देना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, तुम मुझसे पैसे ले लो ना। तो ठीक है फिर मैं आपसे कल चेक ले लेता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, ओके बाय। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। इस जहाज को देख रहा है? इधर देख, अब तेरा भाई इसी तरह गोला खाना। लोन मिलने के एक महीने बाद ही मुझे नौकरी से निकाल दिया, हम सभी परेशान थे। मगर बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता अब्बू, बॉस को तो वैसे ही मुझसे खुदा वास्ते की बैर थी, ऊपर से पुरानी जिद की वजह से मुझे ही नौकरी से निकाल दिया। आप उनसे बात करें ना। की थी भाई, जितना हो सका उतना झुका, अब मजीद जलील नहीं हो सकता था। बेटा मेरे सर में दर्द हो रहा है तो एक कप चाय बना दो। हैं? आपको भी बना दूं? हाँ ठीक है। बेटा अब लोन का क्या होगा, उसकी भी दो किस्त है ना मंथली। हाँ यही तो है अब्बू, यही तो मुझे टेंशन है। अब्बू आप एक काम करें, आप यासिर से कहें कि वो अभी दुकान का काम रोक दे, जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी दुकान का काम वो दोबारा शुरू कर दे। अच्छा कुछ करता हूँ, मैं बात करता हूँ उससे, परेशान मत। यार तो तू वापस कर देना पैसे हमजा भाई को। अरे यार कहाँ से वापस कर दूँ, वो पैसे तो मैंने आमिर भाई को भेज दिए दुबई जाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं यार, वो भी बगैर किसी गारंटी के। अरे यार आमिर भाई बड़े एतमाद वाले बंदे हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो लोन की किस्त कौन देगा? अरे यार तुम संभाल लो ना। देख यासिर मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जब तक लोन नहीं मिल जाता मैं बीच में हूँ, लेकिन उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता यार, अब बैंक के और लोग भी इन्वॉल्व हो गए हैं। देख अगर तूने किस्त नहीं दी ना तो बात मेरी जॉब पे भी आ जाएगी। तुम चाहते नहीं हो कि मैं बाहर जाऊँ, पहले दिन से मुखालफत कर रहे हो तुम मेरी, चलते हो तुम मुझसे। देखो दोस्त
गुस्सा थूको और होश से काम लो। तुम जैसा दोस्त तो होना नहीं चाहिए, गद्दार हो तुम। जो शख्स अपने भाई को धोखा दे रहा है मेरा कैसा कहोगा? चल मामलात उलझने लगे। बात यह है कि झूठ थोड़ी देर के लिए ही छुपता है, ज्यादा देर के लिए नहीं। जी हमजा भाई से बात हो सकती है? वो वॉशरूम में है, अगर कोई काम है तो मुझे बता दें। बस भाभी आपको तो पता है कि हमजा भाई ने यासिर के लिए लोन लिया था, उसकी किस्त अभी तक नहीं आई, बैंक वाले मुझे तंग कर रहे हैं। एक सेकेंड, किसने लोन लिया था? हमजा भाई ने लिया था, आपको नहीं बताया? नहीं। आई एम सॉरी, मुझे शायद आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अल्लाह हाफिज़। किसका फोन था शुमाइला? दानिश का, जिससे आपने लोन लिया हुआ है। शुमाइला, शुमाइला मेरी बात सुनो। मुझे यासिर से पैसे वापस चाहिए थे, मैं शुमाइला से एक झूठ बोल चुका था, अब उसको और तकलीफ नहीं देना चाहता था। यार यासिर, वो पैसे वापस कर दो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। कौन से? वो लोन वाले? हाँ ना यार, वही लोन वाले, और कौन से। अरे बताया तो था कि वो शॉप के लिए दे दिए। बस कर दो यासिर, और कितने झूठ बोलोगे, तुमने कोई शॉप वॉप नहीं ली। अगर आपको पता चल गया तो ये भी सुन लें कि वो पैसे मैंने आमिर भाई को भिजवा दिए हैं दुबई जाने के लिए। क्या तुमने 4 लाख रुपए उस आमिर फ्रॉडी को दे दिए, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो फ्रॉडिया है? अपने भाई को वो नहीं भेज सका, तुम्हें भेजेगा वो। मैंने भिजवा दिए पैसे, अब जो होगा देखा जाएगा। अभी फोन करो और कहो कि हमारे पैसे वापस करें। अभी करो फोन दे। नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूँ फोन करो उसको और मेरी बात करवाओ। अरे भाई वो 5 दिन से मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। खा गया वो पैसे, तुम लोन कहाँ से देंगे? नहीं खाता वो, वहां जाकर वापस कर दूंगा आपके पैसे। बकवास बंद करो, खुद तो कुछ तुमने काम करना नहीं है और दूसरों का माल उड़ाना है, यही काम है तुम्हारा। तुम्हें शर्म नहीं आती धोखा देते हुए? दे दूंगा आपके पैसे, कहीं मरा नहीं जा रहा मैं। मर ही जाओ तो बेहतर है, तुमने अपने बड़े भाई को धोखा दिया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस अब अगर एक अल्फाज भी मेरे बारे में बोलो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करेगा, क्या करेगा, अपने भाई को मारेगा? मार अपने भाई को, मार मार मार, दबाओ जाओ यहां से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम शर्म नहीं आती है तो चोरी ऊपर तस्वीर रखो, निकलो मरो यहां से। तबाह कर दिया तुमने, बर्बाद कर दिया तुमने। हम सब टूट गए थे, भाई ने धोखा दिया, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, फिर बैंक वालों ने घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। हमजा नाम है ना तुम्हारा? जी। लोन का क्या सोचा? आप कौन? ये छोड़ो, तुम शरीफ आदमी लगते हो, ज्यादा तंग नहीं करूंगा, फिर तुम दानिश के दोस्त के भाई भी हो, लेकिन ज्यादा दिन इंतजार नहीं करूंगा। कहां से दूं पैसे, गुर्दा ले जाओ, चाहिए क्या? नहीं वो बेकार है, पैसा चाहिए पैसा, सोना वोना नहीं है घर में। खुदा के वास्ते मुझे खामखाई तंग मत करें, जब जब पैसे होंगे मैं दे दूंगा। जब होंगे तब नहीं, जल्दी करो, वरना आज घर के बाहर मिलाऊं कल। चलो छोड़ो,
सलाम। कोशिश करता रहा हूं मैं कोशिश। इनको रखो, ये तुम्हारी शादी के, मुझे मत दो। इस वक्त आपकी इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। शुभाला तुम अजीम हो, तुम अजीम हो शुभाला, बहुत अजीम हो तुम। यासिर घर से गायब था और उससे रابطہ भी नहीं हो पा रहा था। हमजा नौकरी ढूंढने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था लेकिन कामयाब ना हो पाया। शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में जगह बना ली और उसने वही सोचा जो एक मायूस आदमी इन हालात में सोचेगा। अलैकुम। हमजा भाई दानिश बात कर रहा हूँ। यार मैं कर तो रहा हूँ, एक दो जगह से उम्मीद बनी है, अब देखो। नहीं नहीं हमजा भाई, एक्चुअली कॉल मैंने आपसे माफ़ी मांगने के लिए की है। वो दरअसल मेरे और यासिर के दरमियान थोड़ी तुतुमैम हो गई थी और शायद गुस्सा मैं आप लोगों पर निकालने लगा। अब आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस आराम से देख लीजिए, बैंक को मैं संभाल लूँगा। वाकई थैंक यू सो मच। खैरियत, आज आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। बस बहुत ही खुशी की है। अच्छा ये आपके लिए लेटर आया है। लेटर मेरे लिए? क्या हुआ, खैरियत तो है? जहां मैं काम कर रहा था ना वहां से लेटर आया है कि आपकी इंक्वायरी की गई है और आप पे लगे तमाम इल्जामात गलत साबित हुए, कसूरवार कोई और है, लिहाजा उन्होंने माजरत की है और मेरी नौकरी को बहाल कर दिया है। सच्ची? बिल्कुल। मैं अब्बू को बताकर आती हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र, मैं क्या करने जा रहा था और तूने मेरे लिए क्या सोचा हुआ था। या अल्लाह, सब सही कहते हैं कि मायूसी गुनाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। चीजें ठीक होने लगी लेकिन यासिर का कुछ पता ना चला। बहुत ढूंढा, हमें लगा यासिर खुद वापस आ जाएगा। चाहे यहां भी हो गई या घर जाकर। हाँ चलो। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है।
हर शाम के बाद सुबह का आना खुदा की तरफ से एक दलील है कि दुख चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, परेशानी जैसी भी क्यों ना हो, आखिरकार ख़त्म हो जाती है। इम्तहान ये है कि जब मुश्किल थी तो क्या किया। बंदगी हर हाल में खुदा का शुक्र बजा लाने का नाम है। शिकवे को शुक्र में बदल लें, वरना कभी कभी